2.7 लीटर V6 इंजन से ये लैस है जो कि 170 एचपी आपको दे देती है और ये इसकी की है कुछ ऐसी लंबोर्गिनी टाइप्स की है इसकी और अगर मैं इसका डोर अनलॉक करता हूँ तो ओ एम सीरियसली चलो इसको अनलॉक करते हैं जैसे अलमारी के डोर हैं और ये इस टाइप से अनलॉक हो गया अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो ओल्ड स्कूल टाइप्स ही है लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो जो डोर्स के जो ये सीट एडजस्ट करने के मर्सिडीज के जो बटन यूज किए हुए इसमें ये लाइट जलती है और अगर हम इसको भी एक बारी स्टार्ट करें ना तो एक बारी मैं आपको बैठ के स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये देखिए छोटी छोटी सी जो इसके अंदर फंक्शनलिटी है वैसे एक बार बताऊँ तो इसके अंदर बैठ के बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत नीचे बैठा हूँ और अगर यहाँ ये वाले एंगल से एक बार ये वाला व्यू दिखा रहा तो क्या सही लग रहा है यार की यहाँ रखते हैं और अंदर जो है इसके बहुत सारा स्पेस है जैसे कि यहाँ पे काफी सारा स्टेशन लाइट है मैंने पेट ब्रेक पे पैर रख लिया है कुछ इस टाइप का बिफोर जो ब्रांड है ये भाई आउटस्टैंडिंग है मजा आ गया स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन से मैं क्लासिक कार में पावरफुल साउंड पावरफुल इंजन ओ एम जी एक बार रेप करता हूँ हल्का सा क्योंकि कोल्ड स्टार्ट ज्यादा नहीं करते हैं आ, क्लासिक कार वाला फील है जैसे पुरानी गाड़ियाँ काउंटर ऐसे मारती थी वही सेम फील देने की कोशिश की है बफोरी ने अब ये जो गाड़ियाँ हैं ना ये ऐसी नहीं है कि इनको डेली ड्राइवर बनाया जाए ये गाड़ियाँ जो होती हैं काफी एक्सपेंसिव डेलीकेट और इनको रखने के लिए प्रॉपर एक स्पेस

और कैसी लगती है जैसे कि ये बहुत ज्यादा विंटेज हो या फिर सेवेंटीज एटीज की कार हो लेकिन एक चीज बताऊँ यहाँ पे लोगों को ना बहुत ज्यादा शौक है ऐसी वाली गाड़ियों का जो विंटेज कार होती है बट आजकल मिलती नहीं है और ये पॉल्यूशन ज्यादा चलाती थी, थी। दूसरी चीज इनमें ना पावर नहीं होती थी कुछ चीज़ों को ना इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया मॉडल नया है सब कुछ नया है पेंट नया है सारी चीज़ें अच्छी हैं बट ये जो लाइट्स हैं ये हेलोजन है इनफैक्ट कि आप अगर ये वाली लाइट्स ऊपर वाली हेड देख रहे ना तो ये भी इसके अंदर हेलोजन ही दी है एक्चुअल वही फील देने के लिए तो यार कूल है ना ये देखो ये जो क्रोम है ये जिस टाइप का ये 2022 वाली टेक्नोलॉजी से क्रोम हुआ आज के डेट में वो डिप क्रोम नहीं होता है ये जो हम इंजन की ग्रिल देख रहे हैं आगे रेडिएटर ग्रिल ये ना शेड कर रही है ना तो शेड मार रही है ये भी सेम टू तो सेम ऐसी बना रखा है सबसे अच्छी चीज बताऊँ इन गाड़ियों के ना ऑर्डर एकदम से बेंटली के पास तो होते नहीं ये होता है एक ऑर्डर उसके ऊपर होती है मेहनत उसके ऊपर ये जो कंपनी है ये पूरी पूरी कार को डिजाइन मतलब डिजाइन तो उनके पास होता है पूरी पूरी कार को ये डेवलप करती है हैंडमेड मशीनों के साथ में भी और ऑब्वियस है कि हैंडमेड एक से एक चीजों को देखा जाता है तब ये कार बनती है ये है इसकी हेडलाइट का जो डोम है अब हेडलाइट का डोम अगर इस वाले एंगल से हम देख रहे हैं ना तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक खत्म होता है इनवेट की अगर देखें तो कार में स्टार्टिंग से लेके एज तक ये वाली जो चीज है देख रहे अगर दिखा पा रहे हो तो कर्व कैसा है बिल्कुल फेंडर के ऊपर फेंडर है इतने चौड़े चौड़े ये फेंडर इतने चौड़े चौड़े यहाँ आगे से और जाओ जो इसका ये ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल टायर से के पे ही खत्म हो रहा है यहां से अगर देखते हैं तो यहाँ पे बफरी की ब्रांडिंग के साथ ये अलाय व्हील एलाय व्हील मेरे को लगता है कि थोड़े से और इम्प्रूव हो जाने चाहिए क्योंकि कार ऐसी है तो ये वाले एलाय व्हील शायद इसके अंदर क्योंकि ज्यादा लेटेस्ट नैस ये दे रहे हैं ये तो ये जो के 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 इसके अंदर किए है, -17, 17 है हैं 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 इसमें और हाई परफॉर्मेंस पीछे कैलिपर लगा रखे और डिस्क आप अगर देख पा रहे हो तो अब जैसे विंटेज कार्स में जो इंजन के लिए एक्सेस होता था वो कुछ ऐसे होता था कि आप ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसको ओपन करेंगे मतलब इसको पुश करेंगे और इसको ऐसे करके उठा देंगे सेम एग्जैक्ट वे के अंदर अभी भी लेटेस्ट वेरिएंट में भी सेम वही फील एंड जो उसका जो रुतबा हुआ करता था वो देने की कोशिश की गई है अब देखो ऊपर जो है यहाँ आपको ये आपको यहाँ पे चैनल सीखेंगे जिसको कब्जे बोलते हैं ये भी वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि विंटेज में ये सब चीज़ें ऐसी दिखती थी क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अंदर की तरफ से लग जाती तो दिखते नहीं बट वो वाला फील नहीं आता चाम नहीं आता चलो ठीक है अब इंजन की पुराने टाइम में जो हीट जनरेट होती थी ना वो साइड से बाहर निकलती थी और आगे से एयर आती थी इंजन की गर्मी यहाँ से बाहर निकलती थी बिकॉज ऑफ ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में कार्स है ना तो इसमें अब इंजन की हीट साइड से नहीं निकलती क्योंकि वो चलेगा ही नहीं लीगल नहीं होगा सारे कूलिंग सिस्टम के साथ ही ये इंजन के सारे कूलिंग सिस्टम इसमें है तो इसमें ये ये जो रनिंग रनिंग बोर्ड बोर्ड है है इस पे कभी पैर नहीं रखा जाता सिर्फ फॉर शो होता है। टेल लाइट्स को भी इन्होंने अब एलईडी या फिर ये कुछ नहीं किया ये भी विंटेज ही हैलो जन लाइट्स ही है इसमें एक रेयर व्यू कैमरा ये रहा इसके साइड व्यू मिर में भी कैमरास है यहाँ पे देखिये पार्किंग सेंसर आगे ये है इसकी एक और टेल लैम्प ये जो कार है ना ये आजकल के हिसाब से बनी हुई है जैसे कि आपने ओल्ड वाइन न्यू बॉटल के अंदर डाल दियो 2023 का ये वेरिएंट है और कुछ इस टाइप का लगता है ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस हम और बहुत सारे लेके आ रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो और इस ऐसे वीडियो को जितना फैला सके आप उतना फैला लीजिए हमारा काम था आपको ऐसी गाड़ियों का ऐसी चीज़ों का जो कि कोई नहीं दिखाता आपको उसका वीडियो बना के दिखाना हमने अपना काम किया पूरा अभी हमें सब्सक्राइब करके अपना काम पूरा करें की वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग Indian, bye bye.